गजा में मारे गए उस पर नहीं रोए, वो भी बेटे थे। 4,500 का खून आज जमीन पर इस तरह से है। एक अली अकबर की लाश पर, अली असगर की लाश पर रोने वाले रवाफिज, और 4,500 अली असगर दुनिया से चले जाएं एक लम्हे में, और इसके अलावा बाकी अलग हैं, तो आप अपने दिल में सोचे तो सही, आप कहाँ पे खड़े हैं? क्या ये सवाल करने की? हम मैकडोनल्ड नहीं खाते, मगर मैकडोनल्ड के अलावा हर जगह भरी पड़ी वो खाते हैं। मसला तो ये था कि आप अपनी अय्याशियां बंद करते और ताइब होकर अपने कमरों में बंद हो जाते। आप अपने काम, ये था, ये कब था कि मैकडोनल्ड बंद करो, KFC खाना बंद करो, इससे फलस्तीनों की मदद हो रही है। आपने ये किस शैतान ने आपको कहा है कि ये इस तरीके से फलस्तीनियों की मदद होगी? क्या फिर मदद हुई उनकी? फिर वो चेन्स बंद हुई और उन्होंने हमले बंद कर दिए? वो आपके कदमों में गिर गए। शहजादों की और हुकूमतें पाकिस्तान की मिन्नतें करेंगे खुदा का वास्ता, अपनी आवाम से कहे मैकडोनल्ड खाएं, हम हमला नहीं करेंगे। अब KFC खाइए, हम हमला नहीं करेंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी दुकान। आपने कौन से हरबे? ये है वो शैतानी हरबे जो मजहबी और तंजीमी जमातें आपको ये रास्ते दिखा रही हैं कि इसकी बजाय ये वो है वक्ती तदारुक, वो जो आपको खिलाफत के निजाम के लिए चेंज करने के लिए, उसके लिए आपको दुनियावी चीजों से पीछे हटाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस इस सिस्टम को मोड़ने के लिए, एक तज़किया नफ्स की पूरी तहरीक चलनी चाहिए थी, वो सारी खत्म होकर रह गई। इसलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन आप गजा और फलस्तीन पर रोएंगे। कोई पहला हमला थोड़ी हुआ है, कश्मीर में पहली दफा मुसलमान मारे जा रहे हैं, हर्ज़गोविनिया में मारे गए हैं, हाँ बोस्निया और कोसोवो में, कब्रस में मुसलमानों की लाशें बिछा दी, अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, शाम, कुछ रहने ना दिया उन्होंने। हमारे बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़े पैदा कर दी, किस जगह पर उन लोगों ने नहीं किया ये काम? ये वो बेमकसद सवाल हैं जो बर्बाद कर रहे हैं उम्मत को, अपने नौजवान तबके को बामकसद सवाल, जिसके जरिए से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो कि मैं एक मुस्लिम नौजवान हूं, मेरी सोच सबसे डिफरेंट है, मैं कुफार के नौजवानों की तरह की सोच नहीं रखता, मैं हिंदुओं के नौजवानों की तरह का सोच नहीं रखता, मैं एक सिख नौजवानों की तरह की मेरी सोच नहीं हो सकती। खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, अपनी कौम पर क्यास। इकबाल ने कहा था कि तुमको, तुम्हें अपनी क्यास नहीं, अपनी कौम को अकवामे मगरब पर क्यास ना कर। इकबाल ने कहा अपने को, अपने आप को अकवामे मगरब पर, वेस्टर्न लोगों के ऊपर क्यास ना करें कि हम उन जैसे हैं, उनका और हमारा एक नहीं। खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, हम खास तरकीब से आए हुए लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता है तो उसके सोचने का रंग ढंग ही और हो जाता है। अमल तो बहुत बात की बात है, सोचने का रंग ढंग, क्योंकि सोच अमल को लाती, इलम को लाती, और फिर अमल, और फिर इखलास आता है, तो पहली चीज ही हमारी चेंज हो जाती है। जब आपका नौजवान भी अपने मुस्तकबिल, मुस्लफ़ मुस्तकबिल, अपने आने वाले 15-20 सालों को, जो पता नहीं आने या नहीं आने, उनको एक्सपेक्ट करके अपनी जिंदगी का लाह अमल बना रहा होता है, और काफर भी बना रहा है, और हिंदू भी यही कह रहा है कि अपने आप को ये, और आप मोटिवेशनल स्पीकर्स भी वहां से आप उनको, तो फिर आप उसमें मुझे ये बताइए कि आप में और उसमें फर्क क्या हो गया? ये वो बेमकसद सवाल हैं जिससे पूरी उम्मत बर्बाद होकर रह रही है।